दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। आपके साथ मैं हूं कौशाम्बी। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित राम जी मिश्र। जैसा कि पहले चंद्र ग्रह के बारे में पंडित जी ने बताया था, आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में कि जातक की कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, आपने चंद्र ग्रह के बारे में बताया था, आज हम जानना चाहेंगे कि मंगल ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन में। ओम अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पति पृथिव्या अयम अपा गुम रेता गुम सिजिन्वती ओम अंग अंगार काय नमः। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत बड़े शक्तिशाली ग्रह के बारे में, जो पूरे ग्रहों में सबसे शक्तिशाली पावरफुल ग्रह होने है, वो है मंगल ग्रह। मंगल, आपने नाम ही सुना होगा, मंगल नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि हनुमान जी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल ग्रह है। कई वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में, जीवन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि भूमपुत्र ही हैं। मंगल को भूमपुत्र कहा गया, इससे पृथ्वी से मंगल ग्रह का बहुत अधिक संबंध भी है। और मंगल सबसे पावरफुल ग्रह माना गया है, अग्नि तत्व का ही, सूर्य की तरह ही अग्नि तत्व का ग्रह मंगल माना गया है। मंगल के बारे में लगभग पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि मंगली एक ऐसा नाम पड़ गया जो पहले ज्योतिष में ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में मंगली शब्द एक ऐसा गूंज गया जो आज हर एक मनुष्य के जवान पर है। मंगली, मंगली कैसे होता है? मंगल के द्वारा होता है। और इतनी भ्रांतियां हैं समाज में कि हम थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान करते हैं और थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में जानते हैं और कहते हैं अरे ये मंगली हैं, वो मंगली हैं, जिसके कारण कई शादियां बच्चों की नहीं हो पा रही हैं। कई लोगों के शादियां में पहले से ही नाम ही सुन करके बाधा पड़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ज्योतिष का जब तक पूर्ण ज्ञान न हो, तब तक किसी ग्रह के बारे में जानना समझना इतना आसान नहीं रहता है। मंगल ग्रह सबसे पावरफुल ग्रह माना गया है, क्योंकि मंगल का अग्नि तत्व से संबंध है। कार्तिकेय, मंगल ग्रह की रचना कार्तिकेय के द्वारा हुई। रक्त का संचार मंगल के द्वारा होता है। सेनापति, ग्रहों के सेनापति मंगल हैं, इसीलिए जितने भी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और मिलिट्री, इन सबका मंगल बलवान होता है, तभी जातक पराक्रम साहसी कार्य कर पाता है, जैसे गन, बंदूक, तलवार और पहलवान और फाइटर, ये सभी मंगल के द्वारा ही शक्तिवान होते हैं। क्योंकि मनुष्य में लड़ने की जो शक्ति है दूसरे से, ये मंगल ही दे सकता है। अगर मंगल नहीं अच्छा है तो एक बार अगर आपस में लड़ाई हो भी गई तो जातक पीछे हट के चला जाएगा। और जिसका मंगल तेज है वो उससे युद्ध करने के लिए उतावला रहेगा, उससे लड़ाई करने के लिए उतावला रहेगा, या कहिए बिना बात के हल्की सी बात पे क्रोध में उसके पास अगर गन है तो वो भी दाग देगा, क्योंकि मंगल ऐसा ग्रह है। इसीलिए जो सैनिक होते हैं, जो अपने भारत देश में बॉर्डर पर खड़े होते हैं, ये सभी अधिकतर इसमें बहुत पावरफुल के मंगल वाले होते हैं।
जो सामने देखते ही आतंकवादी या उन पर गोलियां दाग देते हैं। किसी को भी मारने में इनके अंदर ज्यादा भय नहीं रहता है, क्योंकि मंगल इतना शक्तिशाली अग्नि तत्व का ग्रह है, इतना अग्नि तत्व का ग्रह है कि वो अगर हमारे किसी के भी कुंडली में पति या पत्नी वाले भाव में बैठ जाता है तो उस भाव को भी नुकसान पहुंचाता देता है, वो भी छूटने की संभावना या आपस में विवाद की संभावना बना देता है। मंगल का प्रभाव हमारे शरीर पर, रक्त पर पड़ता है और मज्जा पर पड़ता है। मंगल हमारे शरीर की जो शक्ति है, जो रक्त में ताकत है, वो मंगल है। मंगल ऑपरेशन एक्सीडेंट का भी बहुत मुख्य कारक ग्रह माना गया है। मंगल अगर गड़बड़ा गया तो किडनी है, लीवर है, इन सब चीजों को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए मंगल को समझना हर एक मनुष्य को चाहिए। मंगल के विषय में जो भी ज्योतिष से जुड़े हैं वो विशेष मंगल के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंगल से ही पूरी कुंडली का विचार मंगल ग्रह से किया जाता है। पूरी कुंडली में मंगल की स्थिति देख करके ही आगे निर्णय लिए जाते हैं। मंगल नीच का है, मंगल उच्च का है, मंगल वर्गोत्तम है, मंगल कुंडली में किस भाव में बैठा है, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारी कुंडली में मनुष्य की जो शक्ति है वो मंगल ही है। इसलिए मंगलवार वाला दिन, और मंगल तो है तो बहुत छोटा ग्रह, और मंगल से विचार छोटे भाई का किया जाता है, मंगल से ऑपरेशन का विचार किया जाता है, मंगल से एक्सीडेंट, मंगल से जो महिलाओं में मासिक धर्म आता है इसका विचार मंगल से किया जाता है, मंगल से गर्भधारण, मंगल से आयु का पता, मंगल से शरीर में मजबूती, एनर्जी, पावर, ये सभी मंगल ही से विचार किया जाता है। और मंगल सभी ग्रहों का सेनापति भी है, इससे सभी को बहुत गर्व भी मंगल पे होता है। क्षत्रियों का मंगल, क्षत्रिय का मंगल का ही विचार किया जाता है, इसलिए क्योंकि जो भी युद्ध के लिए तैयार हो या युद्ध करने जा रहा हो या लड़ाई में जा रहा हो या मैदान में उतर रहा हो या कुश्ती हो रही हो या WWE के फाइटर में देखना हो, ऐसे में मंगल का ही विचार सबसे मुख्य है। और यहाँ तक डॉक्टर, अब वो ऑपरेशन करेगा तो कैसे करेगा, अगर सर्जन है तो मंगल नहीं है तो फिर वो सर्जन नहीं बन सकता। अगर वो इंजीनियर है, मैकेनिकी काम है, मशीनरी काम है, तो उसमें अगर बिना मंगल के वो मशीनरी के नजदीक नहीं जाएगा, मशीनों के इंजीनियर नहीं बन सकता है। इसलिए मंगल ही मुख्य ग्रहों की भूमिका में है। मंगल का विचार हर एक ज्योतिषियों को अवश्य करना चाहिए, और मंगल सबसे मंगल करने वाला भी ग्रह है, क्योंकि मंगल से हनुमान जी का विचार, मंगलवार के दिन ही मंगल का शनि राहु केतु तीनों ग्रह अरिष्ट हैं, तब मंगल की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने ही वहां जाकर के शनि को छुड़ाया था। इसलिए
मंगल में ही वो शक्ति है जो लंका में कूद गए, जो आग में कूद गए, जो पूरा जला के राख कर दिया, ये मंगल ही पावर तो है। इसलिए मंगल सबसे बड़ा ग्रह और सबसे शक्तिशाली ग्रह है। मंगल अगर किसी की कुंडली में अच्छा है तो सब मंगल ही मंगल है, और अगर मंगल अरिष्ट है तो क्षीणता है, कमजोरी है। मंगल भाई के सुख है, मंगल से ही सभी निगेटिव विचार भी किए जाते हैं। इसलिए सदैव मंगल के हनुमान जी की आराधना हर एक मनुष्य को करना चाहिए, इससे मंगल अच्छा हो और जीवन अच्छा हो। सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल? ग्रहों के अनुसार सभी की राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग राशियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि सबका इस वर्ष, इस आज के दिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, भाइयों से अच्छे संबंध रहेंगे, दूर की यात्राएं हो सकती हैं, संतान को लेकर के थोड़ा सा चिंता रहेगी, संतान के प्रति थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, संतान को थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने की संभावना रहेगी, कार्य क्षेत्र बनेंगे, धन का लाभ अच्छा है, वे थोड़ा सा आय से अधिक होने की संभावना आज रहेगी। चर्चा करेंगे वृक्ष राशि वाले जातकों के लिए। वृक्ष राशि वालों जातकों का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लाभ की पूरी संभावना है, थोड़ा सा पेट में विकार रहने की संभावना आज रहेगी, इसलिए शनि का थोड़ा सा उपचार करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ अगर हो सके तो आज के दिन करें, और उनका आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चर्चा करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। आज मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, मन इधर उधर भटकेगा, एकाग्रता नहीं हो पाएगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रुके हुए आपके कार्य पूर्ण होंगे, और कहीं ना कहीं यात्रा के भी योग बन रहे हैं तो यात्रा भी आपकी हो सकती है। चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि आज के दिन यात्रा के योग उनके बनेंगे, माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, माता जी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, थोड़ा सा कमर में दर्द या पैर में दर्द रहने की संभावना है, और दांत में पीड़ा हो सकती है, इससे थोड़ा सा सावधान है। चर्चा करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, थोड़ा बृहस्पति का, गुरु भगवान का पूजन आज के दिन करें, गुरु का दान भी कर सकते हैं, और लाभ के अवसर आज कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, इसलिए आपको कहीं से लाभ भी हो सकता है, किसी से मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी से भी झगड़ा मोल न लें, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दिन आज का आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों जातकों के लिए। कन्या राशि जो कि बहुत अच्छा आज का दिन नहीं कह सकते हैं, मन थोड़ा सा शांत रहेगा, कहीं भी मन नहीं लगेगा, और आपको हरी चीज़ों का आज कुछ न कुछ दान कर देना चाहिए,
हरि वस्तु का, या तो गणेश जी पर दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, या कोई सब्जी, पालक, मूली, इस तरह की कोई भी हरी सब्जी ब्राह्मण को या मंदिर में दान करें और अपनी वाणी का सही प्रयोग करें। वाणी के द्वारा आज कोई भी अनबन की स्थितियां बन सकती है, इससे वाणी का विशेष ध्यान दें। चर्चा करेंगे तुला राशि वाले जातकों का। तुला राशि खाने पीने में विशेष ध्यान दें। तीखा और बहुत अधिक मिर्च मसालेदार या नॉनवेज अगर हो सके तो आज के दिन ना खाएं, और मुख में कोई ना समस्या रहने के योग हैं, इसलिए मुख संबंधी रोग के लिए सावधान रहें। गुनगुने पानी से हल्का सा नमक डाल करके गलाला करें। आपका दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। वृश्चिक राशि आज के दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। धन प्राप्ति के भी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप शिक्षा में कोई एग्जाम या देने के उसमें है तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। रुके हुए आपके कार्य आज पूर्ण होने के पूरे योग हैं। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। पेट में पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए खाने पीने में विशेष ध्यान रखें। आपका दिन आज मंगलमय होगा, सभी आपके कार्य बनेंगे। चर्चा करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वर्तमान समय में शनि की उतरते हुए 7:30 आपको कहीं ना कहीं से अच्छा धन लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा कमर और पैर में दर्द या चोट रहने की लगने की संभावना है, जिससे आप वाहन सावधानी से चलाएं। चर्चा करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। पत्नी से या जीवन साथी या मित्र से अनबन के योग हैं, तो आप आपसी झगड़ा ना करें। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपके समक्ष आपके पत्नी या पार्टनर से थोड़ी सी अनबन होने की संभावना है, जिससे हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। समय आपका बहुत अच्छा है। चर्चा करेंगे मीन राशि वालों के लिए। पेट संबंधी विकारों से सावधान रहें। पेट में कोई विकार खाने पीने में विशेष ध्यान रखें। देव गुरु बृहस्पति की आराधना करें। आपका दिन मंगलमय होगा। हमारे साथ समय चक्र में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।